बताने का समय है। एक छोटी सी परिभाषा, हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, हर व्यक्ति के मन में कुछ करते हुए भी एक जिज्ञासा रहती है कि वो अब कुछ ज़्यादा करे, कुछ बड़ा करे, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी चीज़ से बंधा रहता है। एक कहानी के माध्यम से कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की कि एक बार एक व्यक्ति अपने घर में अपनी एक भैंस, अपने बच्चे और अपने छोटे से घर में बड़ा खुश था। उसके पास ज़मीन यदि हम बताएं तो कम से कम 100 एकड़ होगी, लेकिन वो व्यक्ति कभी उस चीज़ को करना ही नहीं चाहता था। एक बार एक संत अपने बच्चे के साथ, मतलब अपने शिष्य के साथ उस घर के सामने से गुजरे और उन्होंने उस घर को देखा और उनसे कहा कि हमें आज यहाँ पर विश्राम करना है और भोजन करना है। उस मालिक ने कहा कि ये तो हमारी लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि कोई पंडित आकर हमारे घर विश्राम करे, भोजन करे, वो उन्हें रहने के लिए वो आश्रय दे देता है, उन्हें भोजन कराता है। फिर शाम होते होते जब खाना हो जाता है, भोजन हो जाता है, तो वो पंडित उनसे पूछते हैं कि आप इस ग्राम में सबसे धनी व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि आपके पास इतनी सारी ज़मीनें हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरा छोटा सा परिवार है, मेरे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और हमारे पास एक भैंस है। इस भैंस को पालने कर इसका दूध बेचने से मैं किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करता, मतलब मैं एक सेफ जोन में हूँ, मैं कभी भी भूखा नहीं मरूँगा। और ऐसा कहकर वो सब शयन कक्ष में चले जाते हैं सोने के लिए, विश्राम करने के लिए। रात को पंडित जी उठते हैं, उनके मन में कुछ ख्याल आता है और वो शिष्य से कहते हैं कि शिष्य इस भैंस को आप छोड़ो और लेकर चलो। थोड़ी देर के लिए शिष्य को लगता है कि गुरु जी मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हैं, पाप करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो शिष्य अपने गुरु की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने भैंस को छोड़ा और उसे उनके साथ लेकर जाने लगा। अर्धरात्रि में वो एक जंगल में पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने भैंस को छोड़ दिया और वो चले गए। काफ़ी दिन तक उनके मन में जिज्ञासा रही शिष्य की कि मैं पूछूं कि गुरु ने ये क्यों किया, ये पाप क्यों किया, ये चोरी क्यों की। लेकिन एक दिन अचानक गुरु जी का देहांत हो गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन शिष्य के मन में वो प्रश्न था। अब गुरु जी की जगह उस शिष्य ने ले ली थी, वो काफ़ी विद्वान पंडित बन गया था। उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं उस घर वापस जाऊं जहां से वो भैंस चुराई थी और अपने पाप का पश्चाताप करूं, प्रायश्चित करूं। और वो वहां चला जाता है, जब वो वहां जाता है तो उसे लगता है कि शायद वो किसी और घर आ गया, क्योंकि वहां पर आम और कई प्रकार के फलों का बहुत बड़ा गार्डन था, बगीचा था। वो पंडित जी को जैसे ही वो व्यक्ति देखता है, वो पहचान जाता है कि गुरु जी मैं आपको पहचान गया हूँ, एक रात आप आए थे और आपने विश्राम किया था और उस रात के बाद मेरी किस्मत चमक गई। शिष्य थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया, उसने कहा कैसे। उसने कहा कि उस रात को आप गए और आपके साथ मेरी भैंस भी चोरी हो गई और फिर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने मेहनत करने की सोची, कमाने के लिए सोचा और मैंने एक गार्डन लगाया जिसमें मैं फल लगाता हूँ और उन्हें बेचता हूँ, और आज मैं इस पूरे के पूरे आसपास के 10 या 15 गाँव में सबसे बड़ा काश्तकार हूँ, फलों का व्यापारी हूँ। दोस्तों, आपके जीवन में भी कोई भैंस है जिसकी पूँछ पकड़ कर आप जी रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, इस भैंस को मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि इससे मैं काफ़ी कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर की काबिलियत को आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो अपने सेफ जोन को छोड़ें और जीवन में कुछ बड़ा करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से प्रेरित होंगे और ज़रूर मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।